ये रास्ते से भूखे मर रहे हैं हम लोग, खाने 12 बजे बाद ये बोले कि भागो तुम। 24 घंटा प्रधानमंत्री ने तो चलाइए हम लोग खाया चला इसे कैसे कैसे खाकर थोड़ा थोड़ा खींच खा के भूखे मरेगा पुराना समय। आप खाना खाकर आया है कि नहीं आया है, नाश्ता करके आया है कि नहीं आया? आज हम लोग आने से 5-6 दिन पहले हम लोग मेल हो चुका था, आज सप्ताह पहले की जा रहा है इतना आदमी। खाना पकड़ा है सर, खाना रात में खिलाइएगा, रात में खाना खिलाइएगा, सुबह में खाना रात में खिलाइएगा सर, ये बोलेंगे भागो से यहां से, सुबह खाना रात में खिलाइएगा। खाना पकड़ा है, ये देखिए सीओ साहब जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि खाना सुबह खाना बनाकर रात में खिलाएंगे यहाँ से, कि एक टाइम का खाना का ऑर्डर आया है, बोल रहे हैं कि शाम को रात खिलाएंगे। गरीब मंगाइए, पंचायत में पंचायत छोड़िए, कोई सुविधा नहीं है। दौड़ 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 मार दौड़ मार मार दौड़ 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 मार दौड़ 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 मार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों ने हंगामा किया। मामला पारू के मोती छपरा मध्य विद्यालय में क्वारंटीन सेंटर का है, जहां कई राज्यों के विभिन्न हिस्सों से जिला वापसी कर रहे करीब सैकड़ों लोगों को मोती छपरा मध्य विद्यालय के क्वारंटीन सेंटर पर ठहराया गया था। 11:30 बजे के करीब कुछ मजदूर क्वारंटीन सेंटर के दरवाजे की ओर लौटे और हंगामा करना शुरू कर दिया। ये रास्ते से भूखे मर रहे हैं हम लोग, खाने 12 बजे बाद ये बोले कि भागो तुम। 24 घंटा प्रधानमंत्री ने तो चलाइए हम लोग खाया चला इसे कैसे कैसे खाकर थोड़ा थोड़ा खींच खा के भूखे मरेगा पुराना समय। आप खाना खाकर आया है कि नहीं आया है, नाश्ता करके आया है कि नहीं आया? आज हम लोग आने से 5-6 दिन पहले हम लोग मेल हो चुका था, आज सप्ताह पहले की जा रहा है इतना आदमी। खाना पकड़ा है सर, खाना रात में खिलाइएगा, रात में खाना खिलाइएगा, सुबह में खाना रात में खिलाइएगा सर, ये बोलेंगे भागो से यहां से, सुबह खाना रात में खिलाइएगा। खाना पकड़ा है, ये देखिए सीओ साहब जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि खाना सुबह खाना बनाकर रात में खिलाएंगे यहाँ से, कि एक टाइम का खाना का ऑर्डर आया है, बोल रहे हैं कि शाम को रात खिलाएंगे। गरीब मंगाइए, पंचायत छोड़िए, कोई सुविधा नहीं है।
मार 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 बता दें कि भूख से बिलबिलाते मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया और व्यवस्था से गुस्साए मजदूरों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं जहानाबाद जिले से सरकारी दावों की पोल खोलती दो और घटनाएं सामने आई, जहां रतनी प्रखंड के आदर्श मध्य विद्यालय सरता क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों ने भोजन पानी नहीं मिलने पर जमकर हंगामा किया। बता दें कि सरता क्वारंटाइन सेंटर में कुल 180 प्रवासी हैं। प्रवासियों का कहना है कि समय पर खाना नहीं मिलता, साथ ही साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बाथरूम तो है, कम से कम 7-8 बाथरूम है, लेकिन एक ही बाल्टी है, बाल्टी की व्यवस्था नहीं है बाथरूम के अंदर। दूसरा जो है, जो पानी पीने के लिए हम लोग को मिलता है, ये खारा पानी मिलता है। हम लोग चाह रहे हैं कि बिस्लरी का पानी, जो बाहर का एरो का पानी आता है, वो पानी मिले, क्योंकि ये पानी भी मतलब उतना सुरक्षित है नहीं। और दूसरा जो है, मतलब खाना जो मिलता है 1 बजे मिलता है, 12 बजे मिलता है, 12 बजे के बाद डायरेक्ट 9 बजे मिलता है, उसमें 9 घंटे का गैप होता है, और 9 घंटे के गैप में कुछ नहीं मिलता। कल बोले हैं तो चाय मिला है 6-7 बजे। जो है एकदम लगातार बोल दी और सुबह में जो नाश्ता जो है मतलब उसका ये नहीं है, मतलब खाना जो मिलता है शाम को, खाना मतलब जैसे 5 रोटी मिल गया, तो कुछ लोग ऐसे हैं, मजदूर आदमी हैं, ऐसा नहीं अफसर रैंक के हैं कि मतलब 5 रोटी ही खाते हैं, 5 रोटी मिल गया पैक कर करके और खाना देने वाला चला गया, किसी का पेट भरा, किसी का नहीं भी भरा। कोई जो है 7-8 रोटी खाता है, कोई है 5 में भी पेट भर जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, कोई आदमी मतलब आधा पेट ही रह जाता है, किसी का पेट भर गया, इसमें बाद में कोई पूछने वाला नहीं है कि और लेगा कि नहीं लेगा, एक बार पैक करके मिल गया, हो गया। क्या नाम है? कौशल कुमार। कहाँ के रहने हैं? खालिशपुर। कहाँ से आए हैं? सूरत से। वहीं दूसरा मामला घोसी प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय बारथू के क्वारंटीन सेंटर से सामने आया, जहां प्रवासियों ने वीडियो वायरल कर खाने पीने सहित समुचित व्यवस्था की मांग की है। प्रवासियों का कहना है कि नाश्ता चाय तो दूर, दोपहर तक खाना भी नहीं दिया जाता। खाना उना पीना में भी खाना उना नहीं देते हैं, कुछ बराबर आऊ का सर। कहां खाते हैं आप लोग? यही रहते हैं, स्कूल में। अच्छा, तो कितना लोग हैं अंदर? अंदर बहुत लोग हैं, लगे सर 65 लोग हैं सर। अच्छा, बच्चे भी हैं? हाँ, बच्चे उच्चे सब हैं सर। अच्छा, तो क्या दिक्कत होती है? दिक्कत मतलब बोले थे सर, आज एक थे जो कहे थे कि दूध केला देने का है, तो नहीं दिए, तो उस चलते सब बोले। अच्छा, तो हंगामा भी किया है? हंगामा हुआ था? हाँ, हंगामा हुआ था सर। अभी काहे के लिए? इसी के लिए, जो तकलीफ हुआ जो उनके लिए। अच्छा, तो फिर खाना पीना टाइम पे नहीं मिलता है? टाइम पर तो सर 11 बजे देता है, कभी तो लेट करता है, कुछ तो कुछ एक दिन लेट करता है, हमेशा एक दिन आज ना कल जरूरी होना है, करते करीत रहते हैं। इधर DM नवीन कुमार ने बताया कि जिले में कुल 27 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 688 प्रवासी लोग रह रहे हैं। सभी प्रवासियों को रहने खाने की समुचित व्यवस्था है। कितने प्रवासी हैं? ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर हम लोगों ने 27 बनाए हैं, जिसमें 688 पर्सन्स रह रहे हैं, और जो पंचायत में जो पुराना क्वारंटाइन सेंटर था उसमें 157 लोग रह रहे हैं, जो आज कल और परसों में उन लोगों का 14 डेज हो जाएगा पूरा, तो वो लोग चले जाएंगे। सर, खाने पीने की क्या व्यवस्था? खाने पीने के लिए हम लोगों ने एक आइडल मीनू दिया है कि इस मीनू को फॉलो करके सभी लोगों को फल, दूध और अन्य व्यवस्थाएं की जाए और उस तरह से की जाए। लेकिन कहीं कहीं पे लोगों का है कि हम नाश्ते में ये करेंगे या शाम के नाश्ते में ये करेंगे, तो उसके आलोक में हम लोगों ने आज कहा है सभी लोगों, कल ही कहा है हम लोगों ने, कि जो उन लोगों से बात करके, जो क्वारंटाइन सेंटर में एक समूह से बात करें, उन लोगों से बात करें, और जो जनमत बने, जो मैक्सिमम लोगों का हो कि नहीं नाश्ते में हमको ये चाहिए, तो वो हम लोग नाश्ते में उनको प्रोवाइड कराएंगे। सर, सरता में कुछ लोग आज हंगामा किए थे इसी के लिए? नहीं, वो एक्चुअली फल वगैरह जो दिया जा रहा था उसमें लोगों ने खुद से अपने खुद से फलों को ले लिया है कि हमको और फल दीजिए, ये दीजिए, और इसके अलावा नाश्ता में वही हमने आपको बताया कि नाश्ता जो चेंज किया गया था, डेली उन लोगों को जो फुला हुआ चना और अन्य चीज़ें दी जा रही थी, आज चूड़ा चना और बादाम के साथ दूध और फल दिया गया था, उसमें उन लोगों का थोड़ा ये था कि हम लोग को दूसरा चीज़ दिया जाए, तो हम लोग आज फिर से दिखवा रहे हैं और उसको फिर से देंगे।
उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भारतों से भी वीडियो वायरल हुआ था सर कि खाना नहीं मिल रहा है यहाँ पे। नहीं, वो लोग तो जो कर रहे थे वो लोग तीन ही लोग वहाँ पे हैं, और एक्चुअली उन लोग को पहले से मुखिया जी खाना खिला रहे थे, फिर बाद में हमारे सीईओ के यहाँ से खाना जा रहा है उनका। एक्चुअली उन लोग का अंदर में डिमांड है कि हम लोग को जाना है, जबकि जो सरकार का निर्देश है उसके आलोक में हम उन लोग को छोड़ सकते हैं। तो जैसे ही उनका समय पूरा हो जाएगा उनको हम लोग छोड़ देंगे, और खाने की मुकम्मल व्यवस्था वहाँ भी करा दी गई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग खुद निरीक्षण कर रहे हैं, हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं ब्लॉक्स के, वो खुद डेली जा रहे हैं और वहाँ से हम लोग रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ भी थोड़ी बहुत समस्या इनिशियल स्टेज में आई थी। हालांकि मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने क्वारंटीन सेंटर पर पहुंचकर हंगामा कर रहे मजदूरों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और व्यवस्था दुरुस्त करने का आश्वासन देकर मजदूरों को शांत करवाया। मुजफ्फरपुर से संतोष और जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।